आज कहां से करेंगे आप? देखिए, युगों से भारत की परंपरा रही है जी कि कवियों ने रास्ता दिखाया है। कवि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कवि बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। बिल्कुल, कवि आगे तक की सोचता है, कवि समय से आगे चलकर देखता है, कवि जो लोग शोक में डूबे होते हैं उन्हें जोश भर देता है जी। कई राजाओं को राणाओं को लड़ने का जोश कवियों ने दिलाया है। बिल्कुल, अजमेर की तो प्रसिद्ध कहावत है पृथ्वीराज चौहान की, कि उसको मोहम्मद गोरी को कह के कि ये शब्द पे बाण चला देता है, चार बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ऐसा उसने पृथ्वीराज चौहान से कहा, पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला के मोहम्मद गोरी को मार दिया, ऐसी प्रसिद्ध कथा है जी। तो ऐसी कविता में जो शक्ति है, शब्द की शक्ति को अगर बिल्कुल तीर की भांति इस्तेमाल किया जाए तो वो कविता है। बिल्कुल, और कविता में इस वक्त बहुत सारे कवि हमारे कोरोना को लेकर देश की जनता का ढाढ़स बना रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं, कोई राम से प्रार्थना कर रहा है, कोई रहीम से अरदास कर रहा, दुआ मांग रहा है जी। सब अपने अपने इष्ट को मना रहे हैं, और कि तुम हमारे राम, मेरे रहीम, मेरे अल्लाह, करम करो, बख्शो, जान बख्शो, ये सब बातें भी हो रही है जी। और लड़ने वालों का हौसला भी, कोरोना वायरस का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये हम प्रोग्राम इसलिए लेके आए कि जो लोग घर बैठे हैं और सुबह से शाम तक इतने मर गए, इतने संक्रमित हो गए, इतने पॉजिटिव निकले, पहली बार दुनिया में कोई ऐसा मामला आया है जिसमें पॉजिटिव होना नेगेटिव है जी, और नेगेटिव होना पॉजिटिव है। बिल्कुल, अगर आप नेगेटिव निकल रहे हो तो खुशी मनाओगे, पॉजिटिव निकल रहे हो तो आप शोक में दुख में डूब जाओगे। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अर्थ बदल गए कोरोना के साथ जुड़ के। बिल्कुल, ऐसे वक्त में हम आपको एक गीत सुना रहे हैं, राम भक्त कवियत्री हैं आगरा की रुचि चतुर्वेदी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। अच्छा गला है। नमस्कार, आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी एवन टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। संकट के इस काल में हमारा देश ही क्या सारी दुनिया कोरोना जैसी इस महामारी से जूझ रही है, तब अपने भावों को मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया है। अपने भावों को, अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को प्रभु श्री राम से किस प्रकार कहा है, मैं सभी को समर्पित करना चाहती हूँ। संकट का है कठिन समय, संकट का है कठिन समय, प्रभु देखो तो आकर, संकट का है कठिन समय, अब देखो तो आकर, आंसू पोंछो हम सब के, सुख दो सर से हिला कर, राम तुम्हारी करी प्रतीक्षा, राम तुम्हारी करी प्रतीक्षा, देर न किंचित करना, आकर प्रभु जी कष्ट हमारे, आकर सारे कष्ट हमारे, प्रभु जी तुम ही हरना, सब मिल तुम्हें पुकार रहे, अब कब आओगे राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, जपो राम, जपो राम, जपो राम, राम राम। कैसी विपदा आन पड़ी है, कैसी विपदा आन पड़ी है, देश समूचा जूझ रहा, कैसी विपदा आन पड़ी है, देश समूचा जूझ रहा, चिंताओं संग प्रश्न प्राण के समाधान ना सूझ रहा, जनता व्याकुल है भारी, जनता व्याकुल है भारी, घर पर रहना मजबूरी है, जिनके घर है दूर चल पड़े, कोसों की जो दूरी है, अर्थ समर्थ पड़े संकट में, भजते तुम्हारा नाम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, जपो राम, जपो राम, जपो राम, राम राम। बंद पड़े व्यापार भूख की चिंता कितनी भारी है,
किस पथ पर अब जाना है प्रभु, किसकी ये तैयारी है। ठहर गई है राहे सारी, ठहर गई है राहे सारी, ठहरा ये संसार है। ठहरा ठहरा वक्त कहे, अब तो बस बेड़ा पार है। तुम ही बताओ भूल हुई क्या, कैसे हो आराम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जपो राम, जपो राम, जपो राम, राम राम। बहुत खूब। संकट के समय में कैसे हालात हैं, प्रभु को शायद रिपोर्टिंग कर रही हैं कवयित्री अपनी कविता के माध्यम से, और रहम करने की एक उम्मीद, एक आशा लेकर के। नहीं, वो कहा गया कि जब भी संकट आएगा पृथ्वी पर, राम अवतार लेंगे जी, भगवान अवतार लेंगे किसी रूप में। तो ऐसा भारी संकट आया जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अदृश्य, दिखता भी नहीं, किसी ने कल्पना भी नहीं की, किसी ने सोचा भी नहीं, और जिससे लड़ने का कोई रास्ता भी नहीं फिलहाल। तो इस संकट में राम को याद ना करें तो किसे याद करें। बिल्कुल। और राम हमारे सहारे आएंगे भारत में, इस उम्मीद को लेकर बहुत सारे लोग जो राम भक्त हैं। ऐसे ही कई गांव में, कस्बों में गीतकार हैं जी। ये तो महानगर आगरा से थी जी, पर छोटे छोटे कस्बों में, गांव में गीतकार अपनी अपनी